पढ़ाई में डाउट आता है, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सलूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकेंड के अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछे आपके अनलिमिटेड सवाल कभी भी कहीं भी, चाहे आपका सवाल क्लास 6 to 12 IIT GEET NEET या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास 9 to 12 IIT GEET NEET के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेके आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करें और अपनी सभी डाउट्स को दूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन और उसके काइंड्स। सो नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं, 5, दैट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एक हम उसका पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके एग्जाम्पल्स भी मैं दूंगी, इट इज़ वेरी इजी, इसमें कोई भी मतलब झंझट मारी नहीं है, बहुत सिंपल रखूंगी मैं ये, पढ़ने में याद रहेगा सबको। ओके, सो सबसे पहले आएगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब वर्ड से ही पता चलता है, प्रॉपर, प्रॉपर मतलब किसी का भी फिक्स नाम होता है, सबको अपनी अपनी नाम दिए गए हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स को नाम दिया हुआ है, एनिमल्स को नाम दिया हुआ है, किसी जगह को नाम दिया हुआ है, रिवर को नाम दिया हुआ है, किसी बुक को नाम दिया हुआ है। सो हर एक चीज को अपना प्रॉपर नाम होता है, इसीलिए उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ओके, सो प्रॉपर नाउन रेफर्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे मैंने अभी बताया। ओके, किसी भी इंसान का, जगह का या किसी भी चीज का अगर कोई नाम है तो उसे हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ओके, सो एग्जांपल्स उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, राम, अलवर, टॉम, फ्रांस, मैड्रिड, मिसेस स्मिथ एक्सेट्रा। मतलब किसी का भी अगर कोई फिक्स्ड नाम है, जैसे मोबाइल का नाम है सैमसन, किसी रिवर का नाम है तापी रिवर, गंगा रिवर, किसी बुक का नाम है इंग्लिश ग्रामर बुक, तो उनका नाम होता है, इजंट इट? सो हम उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। अब उसके एग्जांपल्स है, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो राम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। आई लिव एट अलवर, अलवर इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, ओके, तो वो भी हो जाएगा प्रॉपर नाउन। फिर टॉम इज माय फ्रेंड, तो टॉम भी क्या हो गया? नाम हो गया। ओके, इट इज अ नेम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और अ डॉग ऑल्सो हम बोल सकते हैं, या कैट भी बोल सकते हैं, पर किसी का नाम है, इजंट इट टॉम? सो इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। आई होप इट इज क्लियर। अब वी विल मूव ऑन टू कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन भी बहुत ईजी है। ओके, कॉमन नाउन मतलब किसी भी ग्रुप को हम जब नाम देते हैं, जैसे गर्ल हो गया तो ये सारी गर्ल्स हो गए, बॉयज, फिर डॉग्स, फिर उसके बाद ऑल द रिवर्स, ओके, ऑल द सिटीज, है ना? तो ये सारा जो हम कॉमनली बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन मतलब किसी का फिक्स्ड नाम, कॉमन नाउन मतलब वो ग्रुप में आ जाता है। ओके, बॉयज बोले तो मतलब बॉयज का ग्रुप हो जाता है, उसमें किसी का नाम नहीं लेते हैं। ओके, सो उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब स्टेटमेंट क्या है? अ कॉमन नाउन इज अ नाउन रेफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ जनरल वे। ओके, मतलब जनरली हम बात करते हैं, देयर आर मेनी रिवर्स, अब रिवर्स क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, उसमें हमने किसी का प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नाम नहीं यूज किया है। गॉट इट? यूजुअली वन शुड राइट इट विद अ कैपिटल लेटर ओनली व्हेन इट बिगिंस विद अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, ये सारी एग्जांपल्स है जिसे हम कॉमन नाउन के अंदर डिफाइन करेंगे। ओके, आर ऑल कॉमन नाउन्स। अब इसको एक एक सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस बोर्ड द नियरेस्ट टाउन इज 80 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। मतलब टाउन हो गया, टाउन का किसी का नाम नहीं लिया, वो टाउन के नाम नहीं लिए है, बोर्ड है, बोर्ड का अभी नाम रहता है पर उस बोर्ड पे कुछ भी नहीं नाम दिया हुआ है, ओनली अ बोर्ड। सो दीज टू आर कॉमन नाउन, देर आर मेनी बोर्ड, देर आर मेनी टाउन्स, कौन सा टाउन कौन सा बोर्ड वो डिफाइन नहीं किया होता है। ओके, उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। ऑल द गार्डन्स इन द नेबरहुड वर इन्वेडेड बाई बीटल्स दिस समर। ओके, तो ये सारे हो गए कॉमन नाउन। अ रोड क्रू वॉज स्टार्टेड बाय अ साइट ऑफ 3 लार्ज कैट्स
क्रॉसिंग द रोड, अब रोड हो गया, कैट्स हो गया, क्रू हो गया, ये सारे क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गए. ओके, द गर्ल इज प्लेइंग आउटसाइड इन द गार्डन, तो वो गर्ल हो गया कॉमन नाउन. ये सारे सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स है, ये थोड़े बड़े वाले हैं सो समझ में नहीं आ सकते हैं, सो आई विल गिव यू सिंपल एग्जाम्पल्स. ओके, सो द किंग इज द हेड ऑफ द टाउन, तो किंग क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया. फिर हम डॉग का लेते हैं, डॉग्स आर मेन्स गुड फ्रेंड्स, तो डॉग क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया. ओके, सो ये सारे चीजें हमें याद रखनी है कि प्रॉपर नाउन जब किसी का नाम यूज होता है, कॉमन नाउन जब हम कॉमनली इन बात करते हैं उस कम्युनिटी के बारे में. ओके, नाउ कलेक्टिव नाउन, ये तो उससे भी इजी है, सबसे इजी है कलेक्टिव नाउन. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टूगेदर एंड स्पोकन ऑफ अ होल एज अ यूनिट, मतलब टीम, कमेटी, आर्मी, क्राउड, फ्लॉक, ग्रुप, स्वाम, एक्सेट्रा. ओके, मतलब क्या हो गया, कलेक्टिवली हम जब किसी चीज को सबको साथ में मिला के जब बात करते हैं तब हम उसको बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन. एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज मतलब बंच क्या हो गया, चाबी का गुच्छा, तो वो बंच क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन, जिसमें मैंने सारे के सारे चाबियां रखा है, सो दैट इज सपोज टू बी कलेक्टिव नाउन. अगेन आई विल गिव यू अ क्राउड ऑफ मेनी पीपल, ओके, तो क्राउड मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा भीड़ है, इजंट इट, वहां पे ग्रुप बन गया है, सो अ क्राउड ऑफ मेनी पीपल, तो क्राउड हो जाता है कलेक्टिव नाउन. आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप, देर आर मेनी ग्रुप्स इन दिस सिटी. ग्रुप्स मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे ग्रुप्स हो जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स का ग्रुप हो गया, एजुकेशनल ग्रुप हो गया. ओके, सो ये ग्रुप हो जाता है, तो दैट इज नोन एज कलेक्टिवली. आई बात समझ में, दैट मीन्स वट एवर वी हैव टेकन इनटू अ ग्रुप, ओके, ऑफ पर्सन और थिंग्स, ओके, दोनों भी इंक्लूड होते हैं, लोगों में भी और चीजों में भी, दोज आर सपोज टू नोन एज कलेक्टिव नाउन. अब एग्जाम्पल लेते हैं, द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड मोस्ट ऑफ दैट टाइम इन द पेस्टर, मतलब ये फ्लॉक क्या हो गया, ग्रुप हो गया, फ्लॉक ऑफ गीज जो अपना ज्यादातर टाइम क्या कहाँ पे स्पेंड करते हैं, इन द पेस्टर. गॉट इट. नाउ द जूरी, जूरी भी हो जाता है ग्रुप, इजंट इट, अगर जज होता तो फिर क्या होता, एक ही इंसान, इजंट इट. जूरी मतलब क्या होता है, जहां पे बहुत सारे जज साथ में बैठते हैं, इजंट इट, तीन से चार जज बैठते हैं, उसे हम जूरी बोलते हैं. सो जूरी इज अ डाइनिंग, इज डाइनिंग ऑन टेक आउट चिकन टुनाइट, तो मतलब जूरी क्या हो जाता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, सो ये बाकी सारी चीजें हमें नहीं समझ में आनी चाहिए चिल्ड्रन, मतलब नहीं भी आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेन जो है कलेक्टिव नाउन के बारे में हमें जो डिफाइन किया हुआ है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारा डिटेल में हमें याद नहीं करना है. ओके, ये कोई नहीं भी समझ में आया तो नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन. अब नेक्स्ट इज अ मटीरियल नाउन. अ मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मेटल और सब्सटेंस, वर्ड से ही हमें समझ में आता है मटेरियल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में जब हमें बताया जाता है, सो इट इज नोन एज मटेरियल नाउन. तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज वेरी इजी. मटेरियल नाउन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, ओके, क्लॉथ हो गया, सो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, मटीरियल नाउन. अब वाई हैव टू फोल्ड दिस बुक चिल्ड्रन, बिकॉज इट इज अ बिग बुक, दैट इज वाई हैव टू फोल्ड इट, सो डोंट वरी. ओके, सो अब ये जो हो जाते हैं मटीरियल, तो उसमें हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, द नेकलेस इज मेड अप ऑफ गोल्ड, शी हैज परस्यूड अ टी सेट ऑफ सिल्वर, परस्यूड मतलब परचेस्ड, ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टिक वुड, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये मटेरियल हो गया, इजंट इट, मतलब नेकलेस तो है पर उस वो किससे बना हुआ है, गोल्ड से, टी सेट तो है पर वो किससे बना हुआ है, सिल्वर से, तो सिल्वर, गोल्ड, वुड, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, मटेरियल नाउन में काउंट होती है. ओके, यू ऑल डोंट हैव टू मार्क नेकलेस, टी सेट, फर्नीचर, नहीं,
ये मटेरियल नाउन में नहीं काउंट हो सकता है. ओके सो वो किस में काउंट होगा कि वो चीज किससे बनी हुई है. जैसे नेकलेस इज मेड अप ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड हो जाता है मटेरियल नाउन. गॉट इट? इट इज वेरी इजी. नाउ द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच नेम्स एनीथिंग विच यू प्रसीव थ्रू योर फाइव फिजिकल सेंसेस. मतलब क्या हो जाता है कि किसी भी चीज को हम अपने आँख कान नाक से सुन और महसूस कर सकते हैं. उन सारी चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्लासिफाई करते हैं. ओके जैसे ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, ब्यूटी हो गया, जॉय, हेट्रेड, यूथ, डिसेबल, लाफ्टर. ये सारी चीजें क्या हो जाती है, ये हम आँख कान नाक से सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. सो ये सारी चीजें जब हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, किसी को हम उसको वर्ड दे सकते हैं, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ओके, ही इज अ ब्रेव मैन, आर्मी इज शोइंग ब्रेवरी इन द वॉर, तो ये सारी वर्ड्स क्या हो जाती है, ये सारी चीजें हमने सुनी है, देखी है, ओके, एंड वी फील इट. दैट इज वाई दे आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके तो इसके एग्जाम्पल है बाइंग द इमरजेंसी लाइट वॉज एन आफ्टर थॉट. आफ्टर थॉट क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, मतलब वो हमने बाद में सोचा. आफ्टर थॉट मतलब बाद में सोचा. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. पॉलिसी एंड ऑनेस्टी दोनों भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं. जस्टिस ऑफन सीम्स टू स्लिप आउट ऑफ आवर ग्रास्प, मतलब ये सारी चीजें हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मतलब कोई भी चीज है जो हम फील कर सकते हैं बाय आवर फाइव फिजिकल सेंसेस, आंख कान नाक टंग. ओके ये सारी चीजों से जब हम किसी चीज को फील कर सकते हैं तो वो हो जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके सो अब इसमें आगे भी है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, बट वो इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था एंड दिस इज इन हिंदी. ओके सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.